तो बात करते हैं सबसे पहले कि एडवांस एक्सेल होता क्या है। सिंपल सी इस चीज पे हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो देखिए, एडवांस एक्सेल ऐसा कुछ माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बताया है कि एडवांस एक्सेल, एक्सेल के दिस फीचर आर द एडवांस, ये या फिर ये बेसिक है या वीवी एडवांस है और एक्सेल बेसिक है, ऐसा कुछ नहीं बताया। माइक्रोसॉफ्ट जस्ट इंट्रोड्यूस किया है कि भाई दिस आर फीचर्स। अब उसका जो यूजेज है ना, वो हमें बेसिक और एडवांस लगते हैं, और एक्सेल और वीबीए दोनों की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है और उसका अलग अलग एक इम्पोर्टेंस है, मतलब कि उसकी जरूरत है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम एक्सेल यूज ना करें, सिर्फ वीबीए से सारा काम कर लें, या एक्सेल से काम निकल जाएगा, वीबीए की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम बनेगी। ओके, तो दोनों चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, और आपके कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, आप फ्री है, ठीक है। और सर एमआईएस क्या है? एमआईएस वो भी मैं बताता हूँ, सब चीज बताता हूँ, ठीक है ना, वन बाय वन चले। ओके ओके सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांस एक्सेल की। तो एडवांस एक्सेल, एक्सेल में के फीचर्स को यूज करना है। अच्छा, आप लोगों ने एक्सेल में शॉर्टिंग का इस्तेमाल तो किया होगा, डेटा शॉर्ट करने का। या चलिए, जैसे मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ द नेम है जो आप दिख पा रहे हैं आपको, अब मुझे इस नेम को शॉर्ट करना। तो बोलेंगे सर कौन सी बड़ी बात है इसमें, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, कस्टम शॉर्ट पे जाते हैं, और यहाँ पे माई डेटा है जो कॉलम करते हैं, और यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग या और भी चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग हम शॉर्ट करते हैं, सिंपल सा। अब मैं आपको ये बोलूं कि मुझे इसके हर नाम के बाद मुझे पांच या दो या तीन ब्लैंक कॉलम ऐड करने, और ये काम मैं शॉर्टिंग से कर लूंगा। आप बोलेंगे सर शॉर्टिंग का क्या काम है, इसका क्या काम है, दोनों में कोई समानता तो है नहीं। यही चीज है एडवांस एक्सेल, मतलब हम अपने यूज के हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। अब ये जो चीजें मतलब मैं बता रहा हूं ना, थोड़ी देर पहले किसी ने मुझसे सवाल पूछा है इस चीज के बारे में, ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता भी दूंगा, और क्योंकि रिकॉर्डिंग बन रही है तो इनकी सोल्यूशन भी मिल जाएगी। तो मैंने यहां पे कुछ नहीं किया, एक कॉलन ऐड किया, उसमें सीरियल नंबर दे दिया, 1 2 3 इस तरह से, राइट। फिर इसको कॉपी किया और इसको 6 टाइम कॉपी पेस्ट कर दिया, 1 2 3, और जितना बार चाहिए, तीन तीन कॉलम चाहिए तो मैंने इसको 3 बार कर दिया, 4 चाहिए तो 4, 5 तो 5, और 10 चाहिए तो 10 बार कर दिया। अब सिंपल सा है, जब मैं सीरियल नंबर का अकॉर्डिंग शॉर्ट करूंगा तो ये पूरी की पूरी रो, जब शॉर्ट होती है तो पूरी रो उठ के जाती है, तो पूरी रो उठ के जाएगा तो इसके नीचे A1 आ जाएगा, एक वन जिसके पास डेटा है, दूसरा वन उसके पास ब्लैंक है। बस इसी मेथड को मैंने फॉलो करते हुए नीचे की तरफ सेलेक्ट किया, और इसमें कस्टम शॉर्ट में आए और हम इसको सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दिए। आप देख सकते हैं कि हर, अब इसको डिलीट कर देता हूं बी कॉलम को, हर नेम के बाद 3 ब्लैंक रो इंसर्ट। अब इसमें एक और एग्जांपल मैं समझाऊंगा, जैसे कि नॉर्मली आपके पास यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है, तो 20 को कॉपी करते हैं और 30 के ऊपर पेस्ट करते हैं, तो 30 जनरली 20 को रिप्लेस कर देता है, लेकिन जब हम पेस्ट स्पेशल करते हैं, पेस्ट स्पेशल के अंदर आपको दिखता है ऑपरेशन, सॉरी, ठीक है, ऑपरेशन। इस ऑपरेशन में अगर मैं कर देता हूं ऐड, अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट पेस्ट हो जाएगा, 50 हो गया। अगर मैं पेस्ट स्पेशल करके मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई पेस्ट हो जाता है। अब बोलेंगे
ये तो ठीक है, चलो ठीक है, अब मैंने इसे बता दिया, तो दिस इज द, इसको हम बेसिक कह सकते हैं कि हाँ हमने आपको बता दिया कि कौन सा फीचर कैसे इस्तेमाल होता है। लेकिन इसको अगर हम अगर मेरी क्लास में अगर आप रहेंगे तो हम इसको कुछ इस तरह से सिखाएं, इस तरह से हाँ ना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज का बताएंगे कैसे टाइप करते हैं, 20 और परसेंट का सैंपल। बीच में थोड़ा सा रुक जाता हूँ सांस लेने के लिए, तो 20% मैंने यहाँ पे टाइप किया। लेकिन अगर आप 20 टाइप कर दें फिर इसको सेलेक्ट करें और फिर परसेंट का सैंपल दे तो 2000% हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल में 1 = क्या होता है, 100%, 1 = 100%। इसका मतलब है कि मुझे बाद में परसेंटेज लगाना है, तो 0.20 लिखेंगे और सेलेक्ट करेंगे एंड दिस इज द परसेंट, तो क्या हो गया, 20% हो गया, हो गया राइट। मतलब कि मैं बाद में परसेंटेज इस तरह से लगेगा। अब यहीं पे प्रॉब्लम हो गई, हमारे कलीग जो है मुझे कुछ डेटा भेजते थे जिसमें वो इस तरह की परसेंटेज का सैंपल देते थे, ठीक है, परसेंटेज का सैंपल देते थे और इस तरह का डेटा भेज देते थे। अब उनके अकॉर्डिंग दिस इज द 71%, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यूज करूंगा तो मुझे 71 इस फॉर्मेट में चाहिए, 71% के फॉर्मेट में। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट मुझे मिल जाएगा, लेकिन 71 इन द नंबर फॉर्मेट और मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट गलत होगा, मुझे अपने फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। दिख रहा है आपको 355 आ गया। अब प्रॉब्लम है कि इसको मुझे यूज करने के लिए परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करें, 0.71 करके, 0.71 करके परसेंट का सिंबल लगाएं, या फिर इसमें डबल क्लिक करके ऊपर परसेंट का सिंबल लगा के एंटर प्रेस करें, दोनों केसेस में काफी टाइम लगेगा। तो यहां पे मैं 100 टाइप करूंगा किसी अनदर लोकेशंस में और इस 100 को कॉपी करूंगा और पूरे एरिया के ऊपर राइट क्लिक कर पेस्ट स्पेशल और यहां करूंगा मैं डिवाइड। हर नंबर को जब 100 से डिवाइड होगा तो नंबर कन्वर्ट इन द डेसिमल, राइट, और जब डेसिमल में हो जाएगा तो जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, यहाँ पे आपका परसेंटेज कन्वर्ट हो गया। अब आप लोग कंपेयर करें कि सेम चीज मैंने आपको यहां बताया, बट ये चीज आपको उतना यूजफुल ना लगा होगा, उतना यूजफुल ना लगा हो और आप याद भी नहीं रख पाएंगे। लेकिन जब इसी चीज को मैंने यहां एक प्रॉब्लम क्रिएट किया और उस प्रॉब्लम का सलूशन बताया तो आई थिंक आप इसको जल्दी नहीं बोलेंगे, क्या सौमन जी सही बोल रहा हूं मैं? थोड़ा सर आपका साउंड बढ़ा लीजिए ना, मेरा वॉइस सही है, मेरा वॉइस मीटर सही बता रहा है। काफी हाँ तो प्लीज अब सर आपने अपना हेडफोन चेक कीजिए ना सर, हेडफोन लगाइए, स्पीकर पे होंगे सर आप, मेरे एंड से सही है, मेरे एंड से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे एंड से प्रॉब्लम होती तो निकिता को भी प्रॉब्लम होती। अब बात करते हैं कि क्या पार्ट, तो देखिए मेरे कोर्स में, कोर्स को मैंने डिवाइड किया हुआ है एडवांस 3 तरह से। पहला है हमारा एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला, ये जो चीजें मैंने बताई वो चीजें एडवांस एक्सेल फॉर्मूले के अंदर आती है, जिसकी कोर्स डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके देख सकते हैं। iptindia.com पे आप जाएंगे, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो एक होगा वीडियो क्लासेस जो रिकॉर्डेड मोड में है,
मान लेकर आप लाइव नहीं लेना चाहते, डेली आप एक घंटा नहीं आना चाहते हैं, तो मेरे रिकॉर्डेड वीडियोज पे जा सकते हैं। लाइव क्लास पे क्लिक करें, मतलब कि जूम क्लास है जो मेरे आपके साथ मैं ले रहा हूँ, उस पर आएंगे तो मेरी क्लासेस मिलेगी। ये रही मेरी एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला की क्लास। देखिए रिकॉर्डेड में भी वीडियोज ही होगा और मैं पढ़ाऊंगा तो लाइव होगा। तो वीडियोज में होगा कि आपको एक तरीके से पढ़ना है, समझ में आया ठीक है, ना समझ में आया तो फोन कर सकते हैं, बट वही हो कि हर आप 10 मिनट पे फोन करेंगे तो थोड़ी उठा पाऊंगा मैं, एक आध बार दिन में फोन करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन वही है कि आपको सेल्फ लर्निंग है, रात को 2 बजे बाद पढ़ने, रात को 12 बजे 1 बजे पढ़ने बैठेंगे उस समय फोन करेंगे थोड़ी उठाऊंगा फोन। फीस का प्रॉब्लम नहीं है। रिकॉर्डेड कोर्स थोड़ा सा चीप, रिकॉर्डेड कोर्स थोड़ा सा चीप है, लाइव कोर्स थोड़ा सा है। रिकॉर्डेड कोर्स है वीडियो फॉर्म में है, तो वीडियो फॉर्म तो थोड़ा सस्ता होगा ही होगा, ठीक है। तो ये आपका लाइव फॉर्म में हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं। आप रिकॉर्डेड कोर्स के लिए आप मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले यहाँ पे गूगल स्टोर में जाके एक्सेल इमेज ट्रेनिंग, उसके अंदर स्टोर में सारे कोर्सेज दिख जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा लाइव के अंदर में, मैं आपको ये जो कोर्स एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, इसमें मैं आपको फाइल मेनू से लेके डेवलपर तक का हर एक फीचर को बताऊंगा। फॉर्मूले की बात होगी तो मोर देन 200 फॉर्मूला नेस्टिंग एडवांस फॉर्मूला ट्रिक्स सारे चीज कवर करेंगे। तो बेसिकली इसको करने में तकरीबन 35 से 45 घंटे आपको लग जाएंगे। दूसरा जो कि आता है VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग। अब चलिए VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग के ऊपर डिस्कस कर, VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या है। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्या। देखिए जैसे कि यहां अभी हमने एक क्वेश्चन किया आपके सामने, बताया कि भाई हम ब्लैंक कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहां फिक्स है ना, फिक्स है क्या, तो हमने ब्लैंक कॉलम इंसर्ट कर लिए ना। लेकिन अगर फिक्स ना होता तो मतलब कि मान लीजिए किसी को तीन कलम करने पड़ते, किसी को 4 है, किसी का 5 है, किसी का 10 है, तो उस केस में क्या लग रहा है आपको? तब तो एक्सेल नहीं कर पाता ना। तो VBA प्रोग्रामिंग का वहां रोल आता है जहां एक्सेल से चीज नहीं होती है या रिपीटेड होती है। अब एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं VBA प्रोग्रामिंग। मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा डेटा, मैं छोटा सा डेटा बनाता हूँ। छोटे डेटा पे क्या होता है ना, फर्क पता चल जाता है आप लोगों का, बड़े डेटा पे ढूंढना पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या, ठीक है ना। तो इसलिए हम जब पढ़ाते हैं तो उसमें स्मॉल डेटा लेते हैं, लेकिन जब प्रोजेक्ट कराते हैं तो बिग डेटा लेते हैं, क्योंकि समझने के लिए छोटा डेटा सही है, बट प्रैक्टिस एंड प्रोजेक्ट के लिए बड़ा डेटा होना चाहिए, क्योंकि ऑफिस में छोटा डेटा थोड़ी होगा। तो इसको हम एक छोटे डेटा पे कॉपी पेस्ट कर दिए। देखिए अब मान लीजिए कि आपके पास इस तरह के फाइल्स आते हैं, ये आपको डेली आता है, जिसमें 50 सीट होते होंगे, 100 या 200 सीट होते होंगे, या हो सकता है कि फाइल्स होते होंगे 200-300 फाइल्स होते होंगे। अब मुझे इन सारे को कॉपी कर एक सीट में क्या करना है, पेस्ट करना है, एक के नीचे एक के नीचे। अब इसको मैनुअल लेके चलेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, फिर कॉपी करेंगे, फिर जाएंगे सबसे लास्ट में जाएंगे पेस्ट करेंगे, तो काफी टाइम लग जाएगा ना। और ये आपको हर दिन करना है, क्या करना है, एवरी डे करना है, रिपीटेड जॉब। तो ऐसे जो काम आपके पास है, चाहे रिपोर्ट बनाना हो, डेटा सही करना हो, मेल सेंड करना हो, जो चीजें भी है, उनके लिए आप प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। आप सिंपल सी क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं मॉड्यूल्स में जाके, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दिख रहा है, ऐसे प्रोग्रामिंग आप लिख सकते हैं।
लेकिन लिखने से पहले देखिए कि आपका फाइल जो है, मैं इस पे कर रहा हूँ ना, फाइव, बुक नंबर फाइव पे, तो आपको बुक नंबर फाइव, बुक वन नंबर फाइव के अंदर मॉड्यूल्स इंसर्ट करके लिखना पड़ेगा। अब कोड क्या है ये हम आपको क्लासेस जब शुरू होगा ना तब सिखाएंगे, फिलहाल देखिए कि आखिर कैसे हो रहा है। बस मैं यहाँ पे कुछ लाइन का कोड लिखूंगा, कोड आई इक्वल टू चले वन टू शीट्स डॉट काउंट माइनस वन नेक्स्ट आई, और यहाँ पे शीट्स आई डॉट सेलेक्ट रेंज ए वन डॉट कॉपी, नहीं ए वन डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी, फिर सीट पे जाएंगे, सीट्स डेटा सेलेक्ट रेंज ए 65,000 डॉट डॉट एंड एक्सेलेस आप डॉट ऑफसेट 1.0 डॉट पेस्ट स्पेशल सिंपल सा बस, और कुछ नहीं। लास्ट में एम एस जी बॉक्स जॉब इज डन, बस फाइनल हो गया। अब देखिए मैक्रो में जाना है और अपने मैक्रो को सेलेक्ट करके रन कर देना, और विद इन सेकेंड में देखिए आपका काम फिनिश। दिस इज द मैक्रो, ठीक है। तो मैक्रो के जरिए, वीवी मैक्रोज के जरिए आप मैक्रोज तैयार कर सकते हैं, जो कि एक ऑटो पायलट की तरह होता है। जैसे प्लेन को कैसे ऑटो पायलट, ऑटो पायलट फ्लाई कर रहा है, ये जो फिलिंग में किया उसमें हेडलाइन आया, हेडलाइन नहीं मैम, तो कोडिंग कर देंगे ना, जो जो की चीजें करनी है वो यहाँ इंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे ना, यहाँ पे देने पड़ेंगे। मैंने कोड, मेरे हेडिंग हटाने का कोड नहीं डाला, हेडिंग हटाना होगा कभी कोड डालेंगे, हेडिंग हटा के पेस्ट करो, या हेडिंग पेस्ट करने के बाद डिलीट कर दो। लीजिए यहाँ पे सिंपल से हमने कर दिया एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट, तो हेडिंग डिलीट कर देगा। एक हेडिंग यहाँ पे मैनुअली रख दीजिए, तो कहने के बताया कि अभी सारी चीज यहाँ पे थोड़ी बता दूंगा, तो समझ में आया नहीं क्या हुआ। देखा ये हेडिंग है नहीं है ना, तो जो चीज चाहिए उसके लिए हम यहाँ पे कोड इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि हाँ फलाना करो फलाना ना करो, उस हिसाब से, तो जो कोड दिए हुए उस हिसाब से चल रहा है, समझ गए। तो मैं यहाँ पे बस बता रहा हूँ कि वीवीए का रोल क्या है। तो वीवीए माइक्रो के जगह से के जरिए आप बना सकते हैं माइक्रोज, आप बना सकते हैं फंक्शन और यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म मतलब पॉपअप, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो पॉपअप आता है ना, ये इस तरह के पॉपअप। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको लोकल शॉप, अब इसमें मैंने डेटा एंट्री करने के लिए भी इस पे काम चल रहा था, हमने बनाया, देखा। अब जो भी एंट्री होगी इसके थ्रू एंट्री होगी। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सिर्फ जस्ट फॉर्म ओपन होगा, एक्सेल फाइल ओपन नहीं होगी, ये भी कोड डाल देंगे तो सिर्फ फॉर्म क्लिक करते ही फॉर्म ही ओपन होगा सॉफ्टवेयर टाइप, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हम बना सकते हैं यूजर फॉर्म के मदद से। तो वीवी के थ्री हम माकड़े माइक्रोज, माइक्रोज क्या होता है, माइक्रोज होता है ऑटो पायलट, मतलब कि कुछ ऐसा बनाइए जो कि आपका काम खुद ब खुद कर दे। जैसे मान लीजिए डेली आपको 20 फाइल 20 लोगों को भेजना पड़ता है, राइट। आप एक मैक्रो बना दे, रन करें, वन बाय वन 20 लोगों को उसका फाइल भेज देगा। जैसे सैलरी स्लिप हो गया, हर महीने आपको सैलरी स्लिप भेजनी पड़ती 1,000 लोगों को, तो आपने क्या किया, सैलरी स्लिप बनाने का मैक्रो बना रन कर दिया, वो क्या करेगा पीडीएफ के फॉर्म में एक फोल्डर में सारा सैलरी स्लिप डाल देगा या डला हुआ है,
आपने मेल आईडी डाल दी, उसके सामने उसका सैलरी, उसका सैलरी स्लिप का जो एक होगा कि भाई इम्प्लॉय आईडी है या कुछ और एक नाम से फाइल है, तो उसी हिसाब से उसको भेजता चला जाएगा। पर ये डेटाबेस कनेक्टिविटी लेता है, हाँ डेटाबेस भी हो सकता है। आप चाहते हैं कि आपका एक्सक्यूएल से डेटा ले ले, या फिर आप फॉर्म बनाए और आपका डेटा एसक्यूएल पे चला जाए, ओरेकल पे चला जाए, एक्सेस पे चला जाए, हाँ। या आपका कुछ अपना कुछ है उस पे चला जाए, वो सारी चीजें भी करती है, कनेक्टिविटी भी होता है। पर ठीक तो है, कनेक्टिविटी आप सिखाएंगे, मतलब जो कनेक्टिविटी रहेगा? नहीं, कनेक्टिविटी आपका यूजर फॉर्म के बाद, कनेक्टिविटी करने के लिए आपको पूरा का पूरा वेरिएबल्स, पूरा का पूरा कंडीशंस पढ़ना पड़ेगा, समझ गया ना? तो पहले दिन मैं बता दूंगा, आप जिस तरह कहेंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, कॉपी पेस्ट करेंगे और कुछ खास नहीं, मैं वो नहीं वो बोल रही नहीं हूँ, बोल रही मतलब वो आप चीजें ये भी, कोर्स में हाँ कोर्स में है, वो बता रहा हूँ। अब इसकी कोर्स कंटेंट देखने के लिए चले जाइए सेम वेबसाइट आईपीटी इंडिया के लाइव सेक्शंस में, ये रहा वीवीएम माइक्रो प्रोग्राम। अब इसमें देखिए आपके यहाँ पे डेटाबेस डैशबोर्ड ऑटोमेशन है, यहाँ पे दिख रहा होगा ना, डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड अदर एप्लीकेशन विद बीवी, दिख रहा है? इसके डिटेल में आपको अभी मैं क्यों सीख रही हूँ, मतलब मैंने जैसे बोला हाँ, कि जैसे हमारा छोटा सा बैंक है जैसे, तो मैं हमारा बात हुई थी आपने हाँ बताया था, इसमें दिया हुआ है। देखिए जी यहाँ, जी यहाँ तो देखिए क्या क्या कहने, डेटाबेस में क्या बताऊंगा, एक ईमेल ऑटोमेशन विद आउटलुक है, ईमेल ऑटोमेशन भी तो आपका जीमेल्स, याहू और पॉप3 मेल्स होंगे, पीडीएफ ऑटोमेशन है, वर्ड हैंडलिंग है, क्रिएट द लेटर और एक्सेस फ्रॉम द वर्ड डेटा, एमएस एक्सेल डेटाबेस कनेक्टिविटीज है, नोट पैड एंड वेब डेटाबेस कनेक्टिविटीज है, एम्बेड अदर एप्लीकेशंस, जैसे आपने बोला ना आपका बैंक का सॉफ्टवेयर है तो उसको एम्बेड करना है, फिर एसक्यूएल एंड ओरेकल कनेक्टिविटी है, एसक्यूएल कनेक्टिविटी है, फाइल एंड फोल्डर एक्सेसिबिलिटी है। जी जी आपके कोर्स का है सर। हाँ मैं बता रहा हूँ, फीस भी हम आपके साथ आ रहे हैं, फीस पे भी आ रहे हैं। अब तीसरा जो हमारा कोर्स है, अगर कंबाइन करते हैं, ये रहा आपका कंबाइन कोर्स पैकेज, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। अब हम बात करते हैं एमआईएस क्या होता है, सौमन जी की जो चीज़ है वो बात करते हैं। देखिए एमआईएस का बेसिकली होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो डिसीजन ले सके। सपोज दैट मान लीजिए कि मुझे मेरा प्रोडक्शन है, मान लीजिए मेरा, मैं एक कंपनी हूँ, कंपनी रन करता हूँ, और मेरे पास जैसे कोरोना वायरस का ही ले लीजिए ना, कोरोना वायरस का हुआ था तो उसमें क्या होता, हमारा सीरम जो है, सीरम इंस्टीट्यूट जो है हमारा वैक्सीन प्रोडक्शन कर रहा है, उसके पास इतना तो नहीं था ना कि वो हर एक लोगों के साथ एक ही बार पहुंचा दे। अब पता चलेगा कि गवर्नमेंट वैक्सीन 1 करोड़ वैक्सीन परचेज किया और 1 करोड़ में 50 लाख जो है वो मुंबई को ही दे दिया, ये तो गलत हो जाएगा ना क्या? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे एरिया का मार्क शेयर निकाला कि कौन सा एरिया कितना पॉपुलेट है और कितना परसेंट पूरी पॉपुलेशन का वो शेयर रखता है। इससे पता चला कि उत्तर परसेंट पूरी पॉपुलेशन का 10% है, तो मतलब उत्तर परसेंट को टोटल सीरम जो परचेज किया उसमें से 10% उत्तर प्रदेश को देगा, महाराष्ट्र 7% पे आता है तो महाराष्ट्र को 1 करोड़ का 7% भेजेगा, क्योंकि उस 1 करोड़ सीरम को पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और एक तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है कि पूरी की पूरी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है पूरे भारत में चले, एक तरफ से चलता हुआ ना है, समझ रहे ना? ये सब चीजें किससे हुआ, एमआईएस रिपोर्ट से हुआ। एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन में हम आपको सिखाएंगे हाउ कैन क्रिएट द रिपोर्ट विथ ऑटोमेशन। अब जैसे इसके लिए एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं, अभी थोड़ा देर पहले ही एक रिपोर्ट बनाया बनाया है, डेटा एनालिटिक्स से।
ये देखिए दिख रहा है रिपोर्ट। अब यहाँ पे सेल्स डेटा डाला हुआ है 10 सालों का, और 10 सालों का सेल्स का कंपेयरिंग हमने यहाँ पे सुनाया हुआ है कि भाई ओवरऑल सेल कितना हुआ, टोटल ऑर्डर कितने हुए, कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई, कितना डिस्काउंट दिया, प्रॉफिट टोटल कितना हुआ, ऑर्डर का क्वांटिटी, ऑर्डर का क्या रेट्स हैं, फाइनल सेल्स कितना है, अलग अलग कैटेगरी के आप देख पा रहे हैं। और दिस इज द डायनेमिक। अगर मुझे मान लीजिए कि कल के रेट में सिर्फ एक मुझे एक कैटेगरी जैसे कि मुझे टेक्नोलॉजी का देखना है, तो टेक्नोलॉजी पे हम क्लिक, टेक्नोलॉजी का आ जाए,